वेलकम बैक टू द चैनल। एंड काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है, तो आज एक वीडियो अपलोड करते हैं। एक पॉजिटिव वाइब के साथ स्टार्ट करती हूँ मैं ये वीडियो। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो बेसिकली एक मतलब आपको एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के रूप में मिलने वाली है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जो मतलब कि एक मोटिवेशन चाहिए होता है लाइफ में, कभी कभी हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ में नहीं आता। एक पॉइंट पे आके ऐसे ही होता है कि यार कोई कुछ हो नहीं पा रहा ज़िंदगी के अंदर। तो एक पॉजिटिविटी लाने के लिए वीडियो मैं खुद के लिए ही कर रही हूँ एक्चुअली। तो देखते सी, सबकी लाइफ में एक फेज आता है कि लाइफ में ये सिचुएशन हो जाती है कि अब मोटिवेशन ही नहीं रहा लाइफ का कि आगे करना क्या है, और समझ में नहीं आता उस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि आगे मतलब कुछ रास्ता नहीं नज़र आता है। तो आज ये वीडियो मैं इसलिए डाल रही हूँ, ये सिर्फ आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं, एक मोटिवेशन वीडियो टाइप्स है ना। सो लेट्स स्टार्ट। सो जब भी आप है ना डिप्रेस्ड फील कर रहे हो या आपको कहीं भी मन नहीं लग रहा है आपका, तो आपको है ना एक आपकी हॉबी ज़रूर होनी चाहिए जिसको आप जब डिप्रेस्ड हो तो आप उसे कर सकें। जैसे मेरा है, मैं पेंटिंग करती हूँ तो उसमें मेरा पैशन भी है और मुझे अच्छा लगता है करना, लोगों के लिए पेंटिंग्स बनाना है ना। तो ये जो मेरा पैशन है वो धीरे धीरे करके मेरे अंदर आया है और मुझे पता चला कि हाँ मेरे अंदर भी ये टैलेंट है। तो जो है मुझे ये जो टैलेंट है मेरा वो अभी जाके कम से कम मुझे 3-4 साल हो चुके हैं पेंटिंग को, और मुझे मतलब कि आप समझ सकते हैं कि 22 साल के आसपास मुझे पता चला कि हाँ मैं पेंटिंग भी कर सकती हूँ। तो ये है कि आप पता ही नहीं होता कि कब क्या होने वाला है। सो आपको कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए कि आपके अंदर भी कोई टैलेंट हो सकता है, बस आपको उसे पहचानने की देरी है। बस आपको उसे पहचानना है कि हाँ मेरे अंदर भी ये टैलेंट, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका पेंटिंग ही हो, कुछ और टैलेंट होगा आपके पास में, है ना। तो कभी भी आपको डिप्रेस फील नहीं होगा अगर आपके पास में कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे आप डिप्रेशन को अपना हटा सकते हो, है ना। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, अगर आपका मन नहीं लग रहा है कहीं पर, तो आप सबसे अच्छी चीज़ जो कर सकते हैं वो ये है कि अपनी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे बातें कीजिए। सो आपका मन वैसे ही हल्का हो जाएगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे उसके बाद। मेरी लाइफ की जो फिलॉसफी है, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस की है, वो ये है कि जो होता अच्छे के लिए होता है। उस समय हमें ज़रूर लगता है कि हाँ यार कैसा गलत हो रहा है हमारे साथ में, क्यों ऐसा होता है, लेकिन वो चीज़ें होती हैं मतलब किसी मतलब के लिए होती हैं, वो आपको अभी नहीं लेकिन बाद में ज़रूर समझ में आती हैं। सो उस टाइम पर आप अपने आप को संभालिए और आगे के लिए प्रिपेयर हो जाइए कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है ना। सो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी कुछ लाइफ की फिलॉसफी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस थे, और शायद आपको कुछ मोटिवेशन मिला हो, मुझे तो ज़रूर मिला। अपनी बातें खुद ही सुन के मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो ये था आज का वीडियो। सो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा नीचे कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। एंड मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।